दोस्तों, हमारा दिमाग बहुत ही अद्भुत है। यह एक ऐसा जटिल और शक्तिशाली उपकरण है जो हमें जीवन के हर पहलू में मदद करता है। यह नई चीजें बना सकता है, सोच सकता है और सपने देख सकता है। यह हमें रचनात्मकता और नवाचार की ऊंचाइयों तक ले जा सकता है, जिससे हम अपने जीवन को और भी समृद्ध और अर्थपूर्ण बना सकते हैं। लेकिन यही दिमाग हमारा सबसे बड़ा दुश्मन भी बन सकता है। जब यह अनियंत्रित हो जाता है तो यह हमें मानसिक और भावनात्मक संघर्षों में डाल सकता है। हमारा मन अक्सर बहुत सारे विचारों, चिंताओं और फैसलों से भरा रहता है। यह विचारों का बवंडर हमें थका सकता है और हमें मानसिक रूप से कमजोर बना सकता है। यह लगातार चलने वाली बातचीत हमें बहुत ज्यादा परेशान कर सकती है, जिससे हम तनावग्रस्त, चिंतित और खुद से और वर्तमान से अलग महसूस करते हैं। ये मानसिक शोर हमें अपने जीवन के महत्वपूर्ण क्षणों का आनंद लेने से रोकता है। हम खुद को भविष्य की चिंताओं में, अतीत के पछतावे में या नकारात्मक बातों के चक्रव्यूह में फंसा हुआ पाते हैं। यह नकारात्मकता हमें आगे बढ़ने से रोकती है और हमारे आत्मविश्वास को कम करती है। यह अंदरूनी शोर हमें सच्ची शांति और खुशी का अनुभव करने से रोकता है। यह हमें अपने जीवन के उद्देश्य और दिशा से भटकाता है। यह ध्यान केंद्रित करने, सही निर्णय लेने और एक संपूर्ण जीवन जीने की हमारी क्षमता में बाधा डाल सकता है। लेकिन उम्मीद है, हमें यह समझना होगा कि इस मानसिक अराजकता को शांत करना संभव है। इस मानसिक अराजकता को शांत करने की शक्ति हमारे भीतर है। हमें अपने विचारों को नियंत्रित करने और उन्हें सकारात्मक दिशा में मोड़ने की क्षमता है। अपने विचारों को बिना किसी राय के देखना सीखकर हम खुद को उनकी गिरफ्त से मुक्त कर सकते हैं और अंदरूनी शांति और स्पष्टता की गहरी भावना को खोल सकते हैं। यह एक अभ्यास है जिसे हमें नियमित रूप से करना होगा। मानसिक महारत की ओर यह यात्रा एक सरल लेकिन गहन अवधारणा को समझने से शुरू होती है, विचारक को देखना। जब हम अपने विचारों को एक पर्यवेक्षक के रूप में देखते हैं तो हम उन्हें नियंत्रित करने की शक्ति प्राप्त करते हैं। यह हमें मानसिक शांति और संतुलन की ओर ले जाता है। ध्यान और मानसिकता के अभ्यास से हम अपने दिमाग को शांत कर सकते हैं और अपने जीवन में अधिक स्पष्टता और उद्देश्य पा सकते हैं। यह हमें अपने विचारों को समझने और उन्हें सकारात्मक दिशा में मोड़ने में मदद करता है। जब हम अपने विचारों को नियंत्रित करना सीखते हैं तो हम अपने जीवन में सच्ची शांति और खुशी का अनुभव कर सकते हैं। यह हमें अपने जीवन के हर पहलू में अधिक सफल और संतुष्ट बनाता है। मानसिक शांति और संतुलन की यह यात्रा हमें एक संपूर्ण और संतुलित जीवन जीने में मदद करती है। यह हमें अपने जीवन के हर क्षण का आनंद लेने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सक्षम बनाती है। मानसिक महारत प्राप्त करना एक निरंतर प्रक्रिया है, लेकिन यह हमें अपने जीवन को बेहतर बनाने और अपने सपनों को साकार करने में मदद करता है। यह हमें अपने जीवन के हर पहलू में अधिक सफल और संतुष्ट बनाता है। याद रखें, इस मानसिक अराजकता को शांत करने की शक्ति हमारे भीतर है। हमें बस इसे पहचानने और इसका उपयोग करने की आवश्यकता है। यह हमें अपने जीवन को बेहतर बनाने और अपने सपनों को साकार करने में मदद करता है। तो चलिए इस यात्रा को शुरू करते हैं और अपने दिमाग को शांत और संतुलित बनाते हैं। यह हमें एक संपूर्ण और संतुलित जीवन जीने में मदद करेगा। अहार्ट टोले, जो एक प्रसिद्ध आधुरात्मिक गुरु ईसन नोट थियोनोटिया को थॉट सक्को टेक्नोटे की ओनिवर्तनोत्कारी शक्ति से अनिचित मेड, अपनी अद्भुत ताब द पावर ऑन ऑफ नोटाओं में टोले वेरे थेमाग पर हावी कैनोटे वाले थॉट्सों की नोटिरंतर धारा से खुद को अलग मेक नोटे के इम्पोर्टेंस पर होर थी टियार। वे वी अपने थॉट्सों के सिंपली भजानोटे के बजाय उनोत के थेरशक बनोट नोटे के लिए प्रोत सिंपलीहित मेकते आए। टोले की शिक्षाएं वीएं कैरेडुत गेवरियाई से प्रभावित मेकती इसन, वाकि वे आंतरिक काल में और ध्योखों से फ्री के लिए एक वर्वहारिक मार्ग प्रत्यान मेकती आर। वह वी और थेलाते इसन कि हम अपने विचार नोथी इसन, हम वह जागरूकता इसन जो उनोथे देखती इस। यह सरल लेथातन गहन अंतर अधिक उपस्थिति आनुतंद और पूर्णता से भरे जीवन को अनोतलोक मेकनोट की कुंजी रखता इस। अपने थॉट्सों को बिनोटा दत्सीराय के थेक्नोटा सीख कर हम अपने योरसेल्फ को उनोद के अक्सर नकारात्मक इंपैक्ट से अलग में एक नोटा शुरू कर सकते, इजन और कालमी और स्पष्टता के उस विशाल भंडार में प्रथेश कर सकते, इजन जो वेरे ऑल सोतर इस। एक नदी की कल्पना कीजिए जो आसानी से नीचे की ओर बह रही है।
यह नदी जीवन की धारा का प्रतीक है जो बिना किसी रुकावट के निरंतर बहती रहती है। जैसे जैसे यह नदी अपने मार्ग पर आगे बढ़ती है, वैसे वैसे हमारे विचार भी हमारे मन में बहते रहते हैं। पानी आपके विचारों को दर्शाता है, जो लगातार गतिमान और बदलते रहते हैं। ये विचार कभी स्पष्ट और शांत होते हैं तो कभी उथल पुथल मचाते हैं। जैसे नदी का पानी कभी तेजी से बहता है और कभी धीरे धीरे, वैसे ही हमारे विचार भी कभी तेजी से आते हैं और कभी धीरे धीरे। विचारक को देखना नदी के किनारे खड़े होकर पानी के प्रवाह को बिना कूदे देखने जैसा है। आप बस खड़े रहते हैं बिना किसी हस्तक्षेप के और देखते हैं कि कैसे विचार आते हैं और चले जाते हैं। यह एक प्रकार का ध्यान है जिसमें आप अपने विचारों को बिना किसी निर्णय के देखते हैं। आप बस विचारों को उठते हुए देखते हैं, उनकी धारा में बहे बिना। यह एक महत्वपूर्ण कौशल है जो आपको अपने विचारों से अलग होने में मदद करता है। जब आप अपने विचारों को बिना किसी प्रतिक्रिया के देखते हैं तो आप उन्हें बेहतर तरीके से समझ सकते हैं और उनसे प्रभावित हुए बिना उन्हें जाने दे सकते हैं। यह अभ्यास आपके, जो कि प्रेक्षक हैं, और आपके विचारों के बीच जगह बनाने के बारे में है। यह जगह आपको अपने विचारों को स्पष्ट रूप से देखने और समझने की अनुमति देती है। जब आप इस जगह को बनाते हैं तो आप अपने विचारों के प्रति अधिक जागरूक और संवेदनशील हो जाते हैं। यह पहचानने के बारे में है कि आप अपने विचार नहीं हैं, बल्कि वह जागरूकता है जो उनके बारे में जानती है। यह जागरूकता आपको अपने विचारों से अलग होने और उन्हें एक नए दृष्टिकोण से देखने की अनुमति देती है। जब आप यह समझते हैं कि आप अपने विचार नहीं हैं, तो आप अपने विचारों के प्रति अधिक स्वतंत्र और सशक्त महसूस करते हैं। दृष्टिकोण में यह बदलाव बहुत महत्वपूर्ण है। यह आपको अपने जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखने की अनुमति देता है। जब आप अपने विचारों को एक प्रेक्षक के रूप में देखते हैं तो आप अपने जीवन के प्रति अधिक सकारात्मक और संतुलित दृष्टिकोण विकसित कर सकते हैं। यह आपको अक्सर विचारों, खासकर नकारात्मक विचारों से जुड़े भावनात्मक भार से खुद को अलग करने की अनुमति देता है। जब आप अपने नकारात्मक विचारों को एक प्रेक्षक के रूप में देखते हैं तो आप उन्हें अधिक स्पष्टता और समझ के साथ देख सकते हैं। यह आपको अपने नकारात्मक विचारों से प्रभावित हुए बिना उन्हें जाने देने में मदद करता है। इस अनासक्त अवलोकन को विकसित करके आप अपने मन पर अपनी शक्ति वापस पाना शुरू करते हैं। यह आपको अपने विचारों के प्रति अधिक जागरूक और संवेदनशील बनाता है। जब आप अपने विचारों को एक प्रेक्षक के रूप में देखते हैं तो आप अपने मन पर अधिक नियंत्रण और शक्ति महसूस करते हैं। आप अब हर गुजरते विचार या भावना के रहम और कर्म पर नहीं है। आप अपने विचारों और भावनाओं के प्रति अधिक स्वतंत्र और सशक्त महसूस करते हैं। यह आपको अपने जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखने और समझने की अनुमति देता है। इसके बजाय आप एक सचेत और सशक्त प्रेक्षक बन जाते हैं, जो यह चुनने में सक्षम होता है कि किन विचारों के साथ जुड़ना है और किन को जाने देना है। यह आपको अपने जीवन के प्रति अधिक सकारात्मक और संतुलित दृष्टिकोण विकसित करने में मदद करता है। जब आप अपने विचारों को एक प्रेक्षक के रूप में देखते हैं तो आप अपने जीवन के प्रति अधिक जागरूक और संवेदनशील हो जाते हैं। हम अक्सर मानते हैं कि हम अपने विचारों के नियंत्रण में हैं। हम सोचते हैं कि हमारे विचार हमारे अपने हैं और हम उन्हें नियंत्रित कर सकते हैं। लेकिन क्या यह सच में ऐसा है? क्या हम वास्तव में अपने विचारों के मालिक हैं या वे हमें नियंत्रित करते हैं? हम योजना बनाते हैं, विश्लेषण करते हैं और चिंता करते हैं, जैसे कि हम शो का निर्देशन कर रहे हों। हम अपने भविष्य की योजना बनाते हैं, अपने अतीत का विश्लेषण करते हैं और वर्तमान में चिंता करते हैं। यह सब हमें ऐसा महसूस कराता है कि हम अपने जीवन के निर्देशक हैं। हालांकि हमारी अधिकांश सोच स्वचालित रूप से होती है, हमारी चेतन जागरूकता के बाहर। हमारे दिमाग में हर समय विचार आते रहते हैं और हम उनमें से अधिकांश को बिना सोचे समझे स्वीकार कर लेते हैं। ये विचार हमारे अवचेतन मन से उत्पन्न होते हैं। ये अचेतन विचार अक्सर पिछली कंडीशनिंग, सीमित विश्वासों और बिना जांचे परखे मान्यताओं से उत्पन्न होते हैं। हमारे बचपन के अनुभव, समाज की अपेक्षाएं और हमारे अपने विश्वास इन विचारों को आकार देते हैं। हम इन विचारों को सच मान लेते हैं बिना यह सोचे कि वे कहां से आए हैं। जब हम इन विचारों के साथ खुद की पहचान बना लेते हैं तो यह मानते हैं कि ये हमारे या वास्तविकता के सच्चे प्रतिनिधित्व हैं, तो हम उन्हें अपनी भावनाओं और व्यवहारों पर शक्ति देते हैं। हम अपने विचारों को अपनी पहचान का हिस्सा मान लेते हैं
और उन्हें अपने जीवन को नियंत्रित करने की अनुमति देते हैं। इससे नकारात्मकता, चिंता और आत्मसंदेह के चक्र पैदा हो सकते हैं। जब हम अपने नकारात्मक विचारों को सच मान लेते हैं, तो वे हमारी भावनाओं और व्यवहारों को प्रभावित करते हैं। यह एक नकारात्मक चक्र बन जाता है, जिससे बाहर निकलना मुश्किल हो सकता है। अपने विचारों को देखने से हम नियंत्रण के इस भ्रम से मुक्त हो जाते हैं। जब हम अपने विचारों को बिना किसी निर्णय के देखते हैं, तो हम उन्हें अपनी पहचान का हिस्सा नहीं मानते। इससे हमें अपने विचारों से स्वतंत्रता मिलती है और हम अपने जीवन को अधिक सचेत रूप से जी सकते हैं। अपने विचारों को बिना किसी राय के देखकर हम अधिक आत्म जागरूकता और चुनाव के लिए जगह बनाते हैं। जब हम अपने विचारों को बिना किसी निर्णय के देखते हैं, तो हम उन्हें अपनी पहचान का हिस्सा नहीं मानते। इससे हमें अपने विचारों से स्वतंत्रता मिलती है और हम अपने जीवन को अधिक सचेत रूप से जी सकते हैं। हम उन पैटर्न और विश्वासों को पहचानना शुरू करते हैं जो हमारी सोच को संचालित करते हैं। हमें सचेत परिवर्तन करने और अपने मूल्यों और आकांक्षाओं के साथ अधिक संरेखित जीवन जीने का अधिकार देते हैं। जब हम अपने विचारों को देखते हैं, तो हम यह समझ सकते हैं कि वे कहां से आए हैं और वे हमारे जीवन को कैसे प्रभावित कर रहे हैं। इससे हमें अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन करने की शक्ति मिलती है। ध्यान और आत्म जागरूकता के माध्यम से हम अपने विचारों को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं और उन्हें नियंत्रित करने की बजाय उन्हें स्वीकार कर सकते हैं। यह हमें आंतरिक शांति और संतुलन की ओर ले जाता है। अपने विचारों को लिखना और उन पर विचार करना भी एक महत्वपूर्ण अभ्यास हो सकता है। यह हमें अपने विचारों को स्पष्ट रूप से देखने और उन्हें समझने में मदद करता है। दैनिक गतिविधियों में माइंडफुलनेस का अभ्यास करना भी हमारे विचारों को देखने और उन्हें स्वीकार करने का एक तरीका हो सकता है। जब हम अपने विचारों को बिना किसी निर्णय के देखते हैं, तो हम उन्हें अपनी पहचान का हिस्सा नहीं मानते। इससे हमें अपने विचारों से स्वतंत्रता मिलती है और हम अपने जीवन को अधिक सचेत रूप से जी सकते हैं। अपने विचारों को देखने और उन्हें स्वीकार करने से हमें अपने जीवन में अधिक शक्ति और नियंत्रण का अनुभव होता है। हम अपने विचारों को अपनी पहचान का हिस्सा नहीं मानते और उन्हें अपने जीवन को नियंत्रित करने की अनुमति नहीं देते। इससे हमें अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन करने की शक्ति मिलती है। जब हम अपने विचारों को देखते हैं और उन्हें समझते हैं, तो हम अपने जीवन को अपने मूल्यों और आकांक्षाओं के साथ अधिक संरेखित कर सकते हैं। यह हमें एक अधिक पूर्ण और संतोषजनक जीवन जीने की अनुमति देता है। माइंडफुल नोटिस वर्तमान क्षण पर बिनोटा तात्सी राय के धोरण थी नोट का अभोरस फोर्सक को थेक नोट की आधारशिला बनोताता इस। यह आपके आंतरिक अनोतुभव जिसमें आपके विचार सेंसे और शारीरिक संथेथेनोटाएं शामिल ईसन के प्रति एक सौम्य टवर्ड्स क्रियोरहीन जागरूकता विकसित मेक नोटे के बारे में इस। माइंडफुल नोटिस को एक ऐसी मांसपेशी के वे में थिंके जो अभोरस से एमविनूट कांटी इस। जितनोता अधिक योरसेल्फ अपने थॉट्सों और सेंसों को बिनोटा दादसी राय के थेक नोटे का अभोरस मेकते इसन, उतनोता ही असिंप्लीन उनोत की गिरफ्त से अलग कनोटा हो जाता है। इस डिटैचमेंट का मतलब आपके थॉट्सों को थेबानोता या अनोदेखा मेकिनोटा नोथी है। जिसका सीधा सा मतलब है कि उनोत के थेवारा खपत न कनोता चुनोत नोता। माइंडफुल नोटिस आपको मन की नोटिरंतर बकबक के बीच कालमी और स्पष्टता का स्थान बनोटा नोटे की अनोतुमति थीटाइस। यह स्थान आपका अभोरण्य बन जाता है, एक ऐसी जगह जहां योरसेल्फ अपने सच्चे सेल्फ से जुड़ सकते इजन, अपने थॉट्सों और सेंसों की सीमाओं से मुक्त बीइंग।